हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आज इस सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लासेस में कि बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में आप लोगों ने देख चुका है कि क्या होता है, कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं बेसिक्स फार्मूला को यूज करके। और आपने कुछ फार्मूला के बारे में भी देखा था अपने प्रीवियस वीडियो में, वो भी आप लोगों ने देख चुका है। और जो भी वो वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज गो थ्रू माई लिंक एंड वॉच दैट वीडियो। अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो आने वाले टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए उस लिंक पे जाइए और उस वीडियो को जरूर वॉच करें। और ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें जनरली आपका जो है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आपका तीन जो है मेथड्स है इंटीग्रेशन का। सबसे पहला आपका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ये तीन बेसिक्स जो है मेथड्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। आने वाले टॉपिक में आप देखेंगे कि आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कुछ देखेंगे इंटीग्रेशन को, वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स आप लास्ट टॉपिक में आप देखेंगे। ये है आपका जो ये मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में आपका जनरली ये तीन टॉपिक आता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि कुछ भी क्वेश्चन में अगर दिया गया है तो उसमें आप कुछ भी मतलब कि चेंज कर, मान लीजिए ये इंटीग्रेशन आपको दिया गया इस तरह का, अगर अलजेब्रिक फॉर्म होगा अगर इंटीग्रेशन का, तो इस तरह का अगर फॉर्म आपको दिखेगा तो इसमें आप जनरली क्या करते हैं, क्या करेंगे, रेशनलाइज करते हैं। और भी बहुत बहुत तरह का जो है आपको इंटीग्रेशन मिलेगा, जैसे अलजेब्रिक में और ट्रिगोमेट्रिक में। तो अगर आप क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जनरली कुछ तो आइडिया आ ही जाएगा। मतलब इसमें कुछ जनरल रूल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन का सॉल्व करने का, बट हम लोग टेक्निकली कुछ क्या करते हैं, उसमें कुछ करते हैं क्या कि उसको रेशनलाइज करते हैं या तो फिर कुछ डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जनरली आपका जो है यहाँ पे कुछ भी टेक्निकली आप करेंगे, रेशनलाइज करेंगे या तो फिर क्या करेंगे, टेक्निकली इसमें कुछ जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आपको दिमाग में रखना क्या है कि आपको इसका कोई रूल नहीं है, आपको ये दिमाग से सोचना पड़ेगा और आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन को आपको देख कर क्या लग रहा होगा, इसमें आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। और जो भी हम लोग बेसिक रूल जानते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, वही हम लोग इसमें लगाएंगे। तो ये जो है आपको एक क्वेश्चन है जो ट्रिगोमेट्रिकल है, ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म में है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग अभी देखेंगे। दूसरा आपका आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में आपका होता क्या है कि डी मतलब उसका डेरिवेटिव खोजते हैं। डेरिवेटिव कहने का मतलब कि ये मान लीजिए कि आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो ये फंक्शन दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव आपको ढूंढना है। डेरिवेटिव कहने का मतलब आप प्रीवियस क्लास में जान चुके हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है तो dy/dx जो होता है वो 2x के बराबर होता है। मतलब कि आपको इस फंक्शन को कुछ मानना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ देर के लिए हम इसको t मान लेते हैं, इसको t मान लेते हैं और क्या करेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। जैसे इस फंक्शन को आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टी, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x, 1 का तो कुछ भी नहीं होता, डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का जीरो ही होता है आपके, तो कांस्टेंट टर्म का आपका क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन जीरो। तो यहां पे आपको क्या होगा, dt/dx। अब यहां से देखिए इसका डेरिवेटिव आपको मिल गया, कहां से, यहां से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो dt/2x/dx, 2x/dx मिला आपको। अब क्या करना है आपको, ये जनरली आपको याद रखना है, इफ फाई जेड बराबर फाई डैश जेड, मतलब इसका डेरिवेटिव आपको इसमें ढूंढना है। तो
तो आपका डेरिवेटिव ढूंढे तो आपको क्या मिला, 2x into dx को क्या लिखेंगे dt, और x square plus 1 को कुछ देर के लिए हम t माने, तो t के रिस्पेक्ट में आपको क्या हो गया t into dt, जो कि 2x into dx का क्या है t into dt। अब जो हम जनरल रूल जानते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का वो लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा t square by 2 plus c। अब क्या होगा कि जो भी आप माने हैं, जो x square plus 1 बराबर t माने हैं, फिर से आपको वहां पे क्या रिप्लेस कर देना है, वही वैल्यू जो x square plus 1, मतलब कि x square plus 1 का होल स्क्वायर by 2 plus c। तो ये हुआ आपका इंटीग्रेशन का मतलब, इंटीग्रेशन by सब्स्टिट्यूशन का मतलब, ये आपका जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाया। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब कि कुछ भी आपको उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट मतलब इसके वर्ड मीनिंग से ही आपको पता चल रहा होगा कि क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, आपको कुछ मानना पड़ेगा। जैसे आप यहां पे टी माने हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, इसको मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट है, मतलब कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे अगर आपको टी बताया जा रहा है तो आप जेड नहीं मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, एक्स तो यहां पे दिया ही गया है, तो कोई भी आप अनदर वेरिएबल उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और ये बना लेते हैं इसको। तो ये तो था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये था ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको कोई रूल दिमाग में नहीं रखना है, जनरली आपको क्या करना है, जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह का आपको टेक्निकली कुछ उसमें सोचना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करना पड़ेगा, तब इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो दो आपका क्लियर हुआ, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, और ये बहुत ही बेसिक चीज है, और ये अगर आप समझ जाएंगे तो कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा वो तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो अलग है, वो फार्मूला भी आप देखेंगे, लेकिन ये जो है तीन बेसिक्स तरीका, जो कि इंटीग्रेशन का मेथड, कैसे कैसे इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये था आपका इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों ने देखा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे हम लोग सोचते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा सब्स्टिट्यूशन के बारे में कि कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैसे इंटीग्रेट कर देते हैं। आपको क्या सोचना था, आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढना है, तो डेरिवेटिव आपको ढूंढना है तो आप क्या दिखा, आपके दिमाग में ये आया कि अगर हम x स्क्वायर प्लस 1 को अगर t मान लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको दिखेगा ना जी 2x into dx, यहां से आपको मतलब t के रिस्पेक्ट में, तो dt मतलब 2x into dt, मतलब कि इस फंक्शन का हमको डेरिवेटिव मिल गया, तो इस फंक्शन के जगह पे हम dt के रिस्पेक्ट में इसको कर सकते हैं। अगर यही एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ कि आप डायरेक्ट इसको ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और क्या हम इसको जनरल प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो 2x क्यूब और 2x मतलब वो भी तरीका है। तो आप अभी आप क्या पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब कि ये भी आपके पास एक तरीका है, तो मतलब अभी क्या आपको दिमाग में रखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड को, मतलब कि एक और भी इसका तरीका है, ऐसे भी तो इसको सॉल्व कर किया जा सकता है, जैसे 2x x square plus 1 into dx, अब इसको क्या लिखेंगे आप, जैसे आप गुना कीजिए तो 2x cube plus 2x, अब देखिए इसको सेपरेट कर लेते हैं तो देखिए इसका रिजल्ट कैसे आएगा, x cube into dx plus 2 को बाहर किए x into dx, अब देखिए यहाँ पे क्या आता है x to the power 4 by 4 plus 2x square by 2, अब यहाँ पे देखिए x to the power 4 by 2 plus x plus c, यहाँ पे क्या आया रिजल्ट, इस तरह का रिजल्ट आया। तो अभी हम लोग को क्या समझना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं इसको डायरेक्ट, तो आपको यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ढूंढना पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको डेरिवेटिव ढूंढना है, और जो आप माने हैं, जिसको माने हैं टी, उसके जगह पे फिर से वही वैल्यू को आपको पुट कर देना है फाइनली। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अगला है आपका तीन नंबर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसको हम लोग देखते हैं। एक फार्मूला आपको याद रखना है बाय पार्ट्स के लिए, और वो हम आपको फार्मूला लिखते हैं और आपको समझ में भी आएगा। तो वो फार्मूला क्या है आप देखें इसको ध्यान से, और ये फार्मूला आपको fx into dx f phi z phi dash z dz,
मतलब ये आपको सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। और हम लोग क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो ये तो अभी आप बेसिक सीख रहे हैं, आपके सामने मैं बेसिक बता रहा हूं, और अगर आपका बेसिक क्लियर होता है तो किसी भी तरह का इंटीग्रेशन को आप बहुत अच्छे से उसको डील कर सकते हैं। मतलब कि आपका अगर बेसिक अगर अच्छा हो जाएगा तो आप किसी भी तरह का इंटीग्रेशन को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, और अगर आपका बेसिक ही नहीं होगा तो आप लाख पढ़ ले आपको कुछ नहीं आएगा। तो आपको अभी बेसिक अच्छे से करना है, उसके बाद आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे आने वाले सेशन में। तो ये था आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो कि आपने देखा। तीसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को देखते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक फार्मूला आपको याद रखना है, क्या अगर ऐसा रहा u इंटू भी फॉर्म में, अगर ऐसा इंटीग्रेट करना है आपको कुछ भी u इंटू भी फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन का दिया हुआ है इस तरह का आपको, तो क्या लिखेंगे इसको? पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर लेते हैं, v का इंटीग्रेशन v इंटू dv माइनस साइन के साथ, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d ऑफ dx, u का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर v इंटू dv, यही आपका जनरली जो है इसका फॉर्मूला होता है। मतलब कि आपको फर्स्ट फंक्शन को बाहर करना है, उसके बाद सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है माइनस साइन के साथ, फिर से इंटीग्रेशन का साइन, और इसके बाहर भी इंटीग्रेशन होगा। मतलब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से एक आएगा आपको डीवी, मतलब कि इसको फिर से डीवी के रिस्पेक्ट में मतलब करना है। मतलब यही आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद रखना है कि फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन के साथ फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, और सेकेंड फंक्शन को फिर से आपको इंटीग्रेट करना है, और फिर से आपको डीवी, मतलब फिर से वही फंक्शन आ जाएगा, मतलब डीवी। तो ये आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इस तरह का आप फॉर्मूला को यूज करेंगे, और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। तो आप इस तीनों को सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन और बाय पार्ट्स के लिए आपको ये फॉर्मूला आप याद कर ले कि ऐसे होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर कोई इंटीग्रेशन दिया गया है तो आप क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में रूल पढ़ा था, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि अगर प्रोडक्ट रहता है u इंटू भी में रहता है या फिर u बाय भी रहता है तो कैसे करते हैं, वहां भी आप लोगों ने देखा था प्रोडक्ट फॉर्म में रहता था तो u को बाहर करते थे dv बाय dx प्लस v को बाहर करते थे du बाय dx, ऐसा करते थे कि नहीं? तो वो था आपको डिफरेंशिएशन में। अगर इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट फॉर्म में अगर दिया रहे तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, ये, और ये बहुत ही आसान है, आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं आएगा। आपको u को पहले रखना है v इंटू dv माइनस साइन के साथ, d ऑफ du u को फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dv, और फिर से वही फंक्शन आ जाएगा। तो ये था आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आइए इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्वेश्चन का आइडिया अगर आपको आ जाएगा, मतलब कि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ आपके पास आइडिया आएगा। तो ये था आपका जनरल मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि कितने तरीके से हम लोग किसी इंटीग्रेशन फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये था आपका तीन फॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्ट्स, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, और आइए हम लोग ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपको, जो कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आपको समझ आएगा कि क्या करते हैं। इसका कोई रूल नहीं होता है, इसका कोई रूल नहीं है, आपको ये वर्ड मीनिंग से ही पता चल रहा होगा कि इसमें कुछ आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और उस तरह का फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा कि वो इंटीग्रेट हो जाए। तो ये मैं दो क्वेश्चन लिया हूं, एक अलजेब्रिक लिया हूं और एक ट्रिगोनोमेट्रिक लिया हूं। आइए दोनों क्वेश्चन को करते हैं आपके सामने। तो ये आप सबसे पहले नोट डाउन कर ले इसको। तो ये था तीन मेथड,
ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx बाय रूट एक्स, रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, रूट एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स, इसको क्या करेंगे, आपको रेशनलाइज में क्या करते हैं कि अगर प्लस होता है, अगर प्लस होता है तो क्या करेंगे, माइनस, मतलब यहां पे प्लस है, प्लस है तो माइनस वाले से, मतलब रूट एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स प्लस वन, ठीक है, रूट एक्स और प्लस रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। और यहां पे आपको क्या आ जाएगा, रूट एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स प्लस वन। अब देखिए यहां पे dx, अब यहां पे हमको क्या था, जनरली हमको दिख रहा था कि यहां पे आपको प्लस में रूट में दिया, और जब भी क्वेश्चन में आपको या तो इंटीग्रेशन में या तो फिर डिफरेंशिएशन में आपको अगर दिखे रूट, रूट अगर दिख जाए तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। वहां पे आपको यही सोचना है कि हमको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहां पे रूट एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स प्लस वन, और यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा होगा, दिख गया होगा आंसर। तो यहां पे आपको इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रूट एक्स ऊपर में बचेगा रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस वन, और यहां पे देखिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स माइनस एक्स माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, मतलब माइनस प्लस कैंसिल डीएक्स। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको क्या आ जाएगा, रूट एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स प्लस वन, और माइनस नीचे में है तो आपको क्या यहां पे दिख रहा होगा कि यहां पे आपको ये माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो रूट एक्स प्लस वन ऐसा लिख सकते हैं इसको, माइनस रूट एक्स इंटू डीएक्स। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या जानते हैं, एक्स टू दी पावर एन इंटू डीएक्स, क्या जानते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, मतलब आपको क्या दिखेगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो आपको ये दिख गया कि एक्स टू दी पावर मतलब पावर में एक जोड़ना है। तो आप यहां पे इस क्वेश्चन को देखिए कि अगर जैसे ही रूट आपको आया तो इसको ऐसे लिखिए, एक्स प्लस वन का पावर वन बाई टू माइनस एक्स का पावर वन बाई टू। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में एक्स प्लस वन का पावर वन बाई एक्स प्लस वन का पावर वन बाई टू डीएक्स माइनस एक्स का पावर वन बाई टू इंटू डीएक्स। अब पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि अगर एक्स टू दी पावर एन इंटू डीएक्स अगर दिया रहे तो आपको ये लगाना है, और कॉन्स्टेंट को ऐड करते हैं तो आप यहां पे देख लीजिए इसको क्या लिखेंगे, इसको यहां पे आपको आ जाएगा एक्स, अगर पावर में ऐड करेंगे एक तो थ्री बाई टू, एक्स प्लस वन का पावर थ्री बाई टू, और ये पावर से अगर डिवाइड करेंगे तो टू बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ फिर से टू बाई थ्री एक्स का पावर थ्री बाई टू और प्लस सी। यहां से आप अगर टू बाई थ्री को कॉमन लेना चाहते हैं तो आप कॉमन भी कर सकते हैं। तो ये था कि अलजेब्रिक में अगर दिया रहेगा, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या था इसका एग्जांपल, ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग समझे इसका एग्जांपल, कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे डिस्कस करेंगे, मतलब कैसे उसके साथ आप डील कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का कोई रूल होता ही नहीं, आपको खुद सोचना पड़ेगा, और खुद सोचकर वही जो हम लोग इंटीग्रेशन का मेथड जानते हैं उसी को लगा देना है आपको जनरली, मतलब कि कुछ इसमें है ही नहीं आपको, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको खुद का भेजा लगाना पड़ेगा, ये कोई कहीं पे ये इसका कोई नियम नहीं है कि ऐसे वैसे कर लेंगे वैसे, आपको कुछ देखिए आप क्या जानते हैं, रेशनलाइज जानते हैं, रेशनलाइजेशन मेथड जानते हैं, आपको अगर जहां भी रूट दिखे, रूट वाला फंक्शन दिखे, आप डायरेक्ट उसको रेशनलाइज करें और बेसिक नियम को फॉलो करें, आपको किसी भी तरह का इंटीग्रेशन को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये था पहला नंबर एग्जांपल जो कि आप लोगों ने देखा, इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर ले सबसे पहले, और इसको नोट डाउन करें, आपको ये समझ में जरूर आया होगा। तो ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से मैं लिया हूं आपके सामने। तो ये था पहला आपका, और दूसरा नंबर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन लिए हैं।
तो वो भी देखिए आप लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो ये था आपका पहला नंबर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्या है आपका, रूट अंडर वन प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए यहां पे क्या है, साइन थीटा। अब यहां पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, मतलब कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर आप इसको बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, आप इस क्वेश्चन को कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे वन प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखिए अब यहां से भी उसको कर सकते हैं, देखिए जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो हमेशा पॉजिटिव रूट के अंदर होता है, तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और एक बार माइनस बाहर आएगा मतलब कि ये आ गया। अब इसको सेपरेट करेंगे तो साइन थीटा इंटू डी थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यहां से भी आप कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा प्लस सी, यहां से भी आप कर लिए। एक और तरीका आप सोच सकते हैं, बहुत सारा तरीका है कि आप इसको कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको खुद देखना पड़ेगा, खुद आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा अपना दिमाग को, तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये तो पहला तरीका हुआ कि इस तरह से आप सोच सकते हैं। आप देखिए एक किताब में भी बहुत एक तरीका को फॉलो आप करेंगे तो वो आपको ऑप्शन के अनुसार जाना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्शन के अनुसार आपको सोचना पड़ेगा, और अगर आप कोई बोर्ड एग्जाम में अगर आप इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो आप कोई भी रूल को फॉलो करें उसमें आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर डील करते हैं तो आपको ऑप्शन के सहारे जाना पड़ेगा। तो ये था पहला रूल, जो कि पहला मतलब मेथड कैसे बनाते हैं। दूसरा देखिए इस क्वेश्चन को और कैसे किस तरीके से सोच सकते हैं, वन प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, इसको कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा फिर से साइन थीटा होता है कि नहीं। और अब आपको क्या दिख रहा होगा कि 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आप कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब कि 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पे आपको देखिए थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह पे अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो आपको देखिए यहां पे कुछ नहीं है, जैसे 2 cos स्क्वायर। अब देखिए थीटा की जगह पे आपको क्या लेना है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और डी थीटा बाहर में रहेगा। तो ये था आपका इस तरह से देखिए। अब देखिए रूट 2 को बाहर कर लेते हैं आप, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका cos, और 2 से अगर भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, और cos मतलब स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो cos आएगा से। तो देखिए पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। अब जिस तरह से आप कॉस का इंटीग्रेशन जानते हैं आप, और आपको मैं क्या बोला था कि अगर साइन कॉस में थीटा का कुछ भी कोफिशियंट हो उससे आपको भागा देना पड़ेगा, जैसे साइन 2x है, इस तरह का अगर इंटीग्रेशन आप करते थे साइन 2x इंटू dx, तो क्या करते थे माइनस कॉस 2x, और जो कोफिशियंट में है x का उससे भागा करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे भी आपको थीटा का जो है कोफिशियंट 1/2 है उससे तो भागा करना ही पड़ेगा, तो ये आपको भागा यहां पे करना पड़ेगा। तो जनरली कॉस का क्या होता है, साइन, तो रूट 2 इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1/2 माइनस 1/2 से तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको रूट 2 इंटू 2 और माइनस साइन के साथ साइन, और ये क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू 2, मतलब कि 2 का पावर 3/2, मतलब यही आपको आंसर हो जाएगा, मतलब 2 ऊपर चला गया। तो ये था आपको जनरली
कंसेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन का, सब्स्टिट्यूशन का और क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये तीन जनरल मेथड को हम लोगों ने अभी पढ़ा है और उसका एग्जांपल भी। अब अगर आप सब्स्टिट्यूशन का और भी एग्जांपल अगर देखना चाहें तो एक दो और देख ले। जैसे अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अगर एग्जांपल देखना चाहें तो कैसे लेंगे, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अगर आपको इस तरह का फॉर्म दिया हुआ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किसी को भी फर्स्ट फंक्शन आप मान सकते हैं या फिर इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन ले लेते हैं e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब तो कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं फर्स्ट फंक्शन को रखें, फर्स्ट फंक्शन को सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन के लिए डाल दें तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस ऑफ। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से वही फंक्शन आ जाएगा, मतलब ये आई मान लीजिए इसको आई बराबर ये हो गया पहला फंक्शन। अब ई टू दी पावर एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो वही फंक्शन मिलेगा और कॉस एक्स को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ कॉस एक्स इंटू डी एक्स और फिर से डी एक्स आएगा। अब देखिए ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स मतलब साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहां से आपको क्या आ जाएगा, यहां से आपको ये फंक्शन दोनों ही साइन एक्स में आ गया तो फिर से अगर आप इसको खोलेंगे तो फिर से यू इंटू वी पे लगाना पड़ेगा आपको e टू दी पावर साइन एक्स माइनस ऑफ अब e टू दी पावर एक्स को बाहर करेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और फिर से साइन माइनस साइन के साथ e टू दी पावर एक्स को करेंगे डिफरेंशिएट तो फिर से वही फंक्शन आएगा और फिर से साइन एक्स को करेंगे तो कॉस एक्स आएगा माइनस माइनस को मतलब साइन एक्स को करेंगे तो माइनस कॉस एक्स मतलब यहां पे प्लस हो जाएगा मतलब कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहां से आपको इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर एक्स साइन एक्स अब यहां पे क्या आ जाएगा माइनस साइन बाहर में है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स तो माइनस e टू दी पावर कॉस एक्स प्लस e टू दी पावर एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां से आपको क्या दिखा माइनस साइन के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस कॉस एक्स ये प्लस होगा ये माइनस होगा ये खत्म हो जाएगा आपस में ये खत्म तो ये प्लस होगा ये माइनस तो खत्म बचा आपका क्या e टू दी पावर एक्स साइन एक्स यही आपको आया। तो इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आप लगाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको इस तरह से u इंटू वी के फॉर्म में अगर आपको दिया रहेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये था आपका तीन मेथड बेसिक्स मेथड जो कि इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो और भी हम लोग टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। तो ये था आपका तीन मेथड जो कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आइए इस फॉर्म में जब अगर रहेगा इंटीग्रेशन तो कैसे हम लोग उसका रूल कुछ देखेंगे। साइन एक्स का पावर एम एक्स एंड कॉस एक्स का पावर एन एक्स इंटू डी एक्स आप सब्स्टिट्यूशन मेथड जान चुके हैं क्या होता है, उसमें कुछ आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तब उसको इंटीग्रेट करते हैं। यही कुछ बहुत हम बोले आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप इंटीग्रेशन का बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को आप देखेंगे। तो वो तो था आपका बेसिक सब्स्टिट्यूशन कि कैसे करते थे 2x अगर x स्क्वायर प्लस 1 है इंटू डी एक्स तो इसका डेरिवेटिव ढूंढते थे। इसका डेरिवेटिव मतलब कि x स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप t मानते हैं तो 2x इंटू डी एक्स बराबर dt और यहां से इसका वैल्यू को पुट करते थे और फाइनली फिर से वहां रिप्लेस कर देते थे। तो ये तो बेसिक रूल था सब्स्टिट्यूशन का। बट यहां पे क्या करते हैं कुछ रूल्स आपको दिमाग में रखना पड़ेगा तो जल्दी करेंगे, ऐसे वो रूल आपको नहीं भी याद रहता है फिर भी उसको हम लोग कर पाएंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। और अगर आपको रूल अगर पता है तो आप जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रूल क्या है देखिए,
इफ इफ पावर ऑफ इस तरह का जब फॉर्म रहेगा तब ऐसा आप रूल लगाएंगे। ये रूल किसके लिए है? ये फॉर्म के लिए। इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन आपको साइन का पावर एम एक्स कॉस का पावर एन एक्स इंटू डी एक्स रहेगा तब आपको क्या करना है कि इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड देन इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड देन पुट जेड बराबर कॉस एक्स। ये आपको पुट करना है। जेड बराबर क्या आपको पुट करना है? कॉस एक्स। रूल नंबर टू क्या करता है? इफ पावर ऑफ कॉस एक्स इज ऑड, अगर पावर कॉस एक्स का अगर ऑड हो तो देन पुट जेड बराबर साइन एक्स। ठीक है। और उसके बाद तीसरा, इफ इफ पावर ऑफ साइन एक्स, इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड एंड ऑल्सो कॉस एक्स एंड ऑल्सो पावर ऑफ कॉस एक्स cos x is odd then put z बराबर cos x and z बराबर sin x। आपको क्या करना है कि अगर पावर sin x का odd हो तो क्या put करना है? z बराबर cos x। अगर पावर ऑफ sin पावर ऑफ cos x अगर odd है तो z बराबर sin x। अगर पावर दोनों का odd हो तो z बराबर cos x z बराबर sin x। आप कुछ भी मान सकते हैं, किसी को भी एक को आप मान ले z बराबर cos x या z बराबर sin x। अगर पावर ऑफ sin x इज ऑड एंड आल्सो पावर ऑफ cos x इज ऑड देन पुट z बराबर cos x एंड z बराबर sin x, कुछ भी। ठीक है। तो अब ये तीन था, अब तीसरा ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। चौथा क्या है आपका? चौथा पॉइंट आप इरेज करते हैं, हम आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका चौथा पॉइंट, इसमें देखें आप, तो इसका जो है चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? इफ इफ the power neither cos x nor sin x, power of neither cos x nor sin x is odd, then see the sum of power of sin x and cos x। अगर किसी भी फंक्शन का अगर पावर ऑड नहीं हो, मतलब ना तो sin x का हो और ना ही cos x का हो, तो क्या करना है आपको? अगर आप देखे थे कि अगर दोनों का अगर ऑड पावर आता है तो किसी को भी एक को आप जेड बराबर साइन एक्स या जेड बराबर कॉस एक्स आप कुछ भी मान सकते हैं, किसी को भी एक का मान सकते हैं, जेड बराबर साइन एक्स या तो जेड बराबर साइन एक्स या तो जेड बराबर कॉस एक्स आप मान सकते हैं। अगर अगर आपको इफ द पावर ऑफ नाइदर, मतलब किसी भी फंक्शन का अगर पावर ऑड नहीं हो तो सम पावर के सम को देखेंगे कि क्या आता है। अगर वो सम अगर इवेन आता है, पांचवा पॉइंट में आप देखेंगे, इफ द सम ऑफ पावर इज इवेन निगेटिव इंटीजर देन पुट
देन पुट जेड बराबर टेन एक्स। अगर वो इवेंट निगेटिव इंटीजर आता है तो आपको क्या करना है, जेड बराबर टेन एक्स। और अगर वो पॉजिटिव इंटीजर आता है, मतलब कि अगर दोनों का पावर का सम अगर पॉजिटिव इंटीजर आता है तो उसको आपको क्या करना है, वो लास्ट पॉइंट है आपका ये। अगर इवन इंटीजर आया, दोनों के सम पावर ऑफ सम, मतलब अगर दोनों के पावर को अगर ऐड करते हैं और आपको निगेटिव इवन इंटीजर आता है, जैसे माइनस टू, माइनस वन और माइनस वन मिलके माइनस टू आ रहा है, तो इस तरह के केस में अगर आए तो आपको जेड बराबर टेन एक्स पुट करना है। और अगर अगर इसी पॉइंट को नेक्स्ट अगर पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, अगर पॉजिटिव इंटीजर आ जाए आपको क्या करना है, देखिए यहां पे इफ छठा पॉइंट में, इफ इफ द सम ऑफ, इफ द सम ऑफ पावर इज इवन, जैसे एम प्लस एन, सम ऑफ पावर एम प्लस एन इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, देन एक्सप्रेस द इंटीग्रांड, इंटीग्रेंड एक्सप्रेस द इंटीग्रेंड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस मल्टीपल एंगल्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर अभी आपको क्लियर होगा कि वो कैसे होता है, हम लोग एग्जांपल के साथ देखेंगे। और जब भी ये रूल लगेगा, ये रूल का आपको कब लगना है, कब अप्लाई करना है, जब इस तरह के फॉर्म में आपको दिखेगा साइन का पावर एम इंटू कॉस का पावर एन एक्स इंटू डी एक्स, उसके लिए आपको ये रूल सारा आपको याद रखना है। कोसाइंस एंड साइंस के मल्टीपल एंगल्स के सम के फॉर्म में उसको आपको एक्सप्रेस कर देना रहता है जब इवन पॉजिटिव इंटीजर आता है। अगर निगेटिव इंटीजर आता है तो जेड बराबर टेन एक्स, और अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर आता है तो उसके कोसाइंस एंड साइंस के मल्टीपल एंगल्स के फॉर्म में आपको उसको एक्सप्रेस करना रहता है। और ये कब लगेगा, साइन का पावर एम एक्स इंटू कॉस का पावर एन एक्स इंटू डी एक्स, आपको ये पैटर्न को याद ही कर लेना है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, तो और भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आइए इस फॉर्म पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों ने देखा था कि अगर साइन का पावर एम एक्स और कॉस का पावर एन एक्स इंटू डी एक्स अगर इस फॉर्म में आपको रहे क्वेश्चन, तो कैसे करते हैं, उसी से रिलेटेड मैं ये एग्जांपल लिया हूं कि कॉस का पावर अगर ऑड रहता है तो क्या करते हैं, अगर साइन का पावर अगर ऑड रहता है तो क्या करते हैं, अगर आपका दोनों का अगर सम अगर इवन आता है, अगर दोनों ऑड होता है या फिर दोनों का सम अगर इवन होता है या तो फिर नेगेटिव इंटीजर आ रहा हो तो उसको कैसे हम लोग करते हैं। तो आइए वन बाई वन हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कैसे। सबसे पहला नंबर आप क्वेश्चन को देखिए, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कॉस का पावर क्यू एक्स, ठीक है। आप लोगों ने क्या देखा था कि अगर कॉस का पावर ऑड हो तो जेड बराबर साइन एक्स, मतलब कि यहां पे आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जनरली कॉस का पावर क्यू एक्स इंटू डी एक्स दिख रहा है पहला नंबर क्वेश्चन में। आप देखिए इसको, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, जेड बराबर साइन एक्स आप पुट करें तो यहां से आपको क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन पार्ट टू देख रहे हैं तो यहां से डी जेड बाई डी एक्स निकलेगा, डी जेड बाई डी एक्स साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहां से आपको इस फॉर्म में कर लेना है, तो आपको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स आपको क्या दिख रहा है, डी जेड, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स आप क्या लिख सकते हैं, डी जेड। आपको दिख रहा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या बोले थे आपको,
क्या बोले थे कि आपको किसी भी फंक्शन को एक टी या फिर जेड कुछ भी वेरिएबल आप मान सकते हैं, ये आप ये फिक्स नहीं है कि वहां पे आप लोगों ने देखा था टी मैं माना था, तो टी या तो फिर कोई भी वेरिएबल जो वेरिएबल दिया गया है एक्स के टर्म में वेरिएबल दिया गया है तो उसको नहीं मानेंगे क्योंकि एम्बिग्यूअस हो जाएगा, मतलब दोनों का मतलब सेम ही हो जाएगा। तो वहां पे आपको अनदर वेरिएबल जो वेरिएबल दिया गया है उससे हटके थोड़ा सा आपको मानना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख गया, देखिए अब जेड बराबर आपको क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ डीजेड हो जाएगा, यहां से वन माइनस ऊपर में देखे आप वन माइनस जेड स्क्वायर इंटू डीजेड, बस खत्म हो गया। तो वो डीजेड माइनस यहां पे जेड स्क्वायर इंटू डीजेड, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा जेड माइनस जेड क्यूब बाय थ्री प्लस सी। अब जेड के जगह पे क्या आपको पुट कर देना है साइन एक्स, तो साइन एक्स का पावर थ्री बाय थ्री प्लस सी। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन, कितना आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको टेक्निक पता है तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आपको इस टेक्निक को नहीं भी पता होता तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपको टेक्निक पता है कि अगर कॉस का पावर अगर ऑड हो तो कैसे हम लोग जेड बराबर साइन एक्स मानते हैं, तो ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को कहीं भी समझने में आपको अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, आइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी, आइए देखते हैं उसको। तो पहला नंबर आपका खत्म, कॉस क्यूब। अब देखिए आपने क्या देखा था कि जब साइन का पावर ऑड हो तो क्या करेंगे, साइन का पावर ऑड हो तब, यहां पे आइए देखते हैं साइन का पावर 5x है इंटू dx। अब यहां पे आपको क्या मानना है, z बराबर cos x, मतलब यहां पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है z बराबर cos x मानना है आपको। यहां पे देखिए इसको क्या करेंगे, साइन का पावर 4x इंटू साइन x इसको लिख देते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड में डेरिवेटिव ढूंढना होता है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dz बाई dx माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और dz यहां से आपको यहां चला जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू dx। अगर यहां पे आपको दिख नहीं रहा है तो आप नीचे देखें उसका, z बराबर हम क्या माने हैं cos x, तो इसको dz बाई dx निकालिएगा आप तो माइनस साइन एक्स। अब यहां से dz बराबर आपका क्या आ जाएगा, dz बराबर माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आपका यहां पे देखिए क्या इसको लिखेंगे, माइनस साइन के साथ अब साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इसको लिखते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। आपको आपको पता ही होगा इसको क्या लिखना है, अंदर वाले को सारे को कॉस में करेंगे क्योंकि आपको यही रिजल्ट है, जेड बराबर कॉस एक्स आप लोगों ने माना है, जेड बराबर कॉस एक्स, इसलिए हम वन माइनस कॉस स्क्वायर इसको लिखना चाहते हैं क्योंकि आपको जेड बराबर कॉस एक्स आपको पता है कि हम क्या लिख सकते हैं। अगर आप जेड अगर उस फंक्शन को जेड लिखते हैं तो आपको इंटीग्रेट करने में आपको थोड़ा सा आसान होगा। तो ये देखिए दिख रहा है आपको, क्वेश्चन को देखते ही समय आपको सब समझ में आ जाए, क्लियरली स्पष्ट है, आप एक रूल जान गए आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था आपका कि कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जेड बराबर कॉस एक्स आप रूल जानते हैं, आपको रूल पता है क्या करते हैं। तो यहां पे देखिए अब इसको क्या लिखिएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, अब इसको ब्रेक कर दीजिए तो वन माइनस वन प्लस कॉस फोर का कॉस फोर हो जाएगा और माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस से अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए, तो यहां पे आपका डीजेड आ जाएगा। तो डीजेड अब यहां पे जेड बराबर कॉस एक्स, मतलब कि यहां पे आपको क्या रखना है, कॉस एक्स के जगह पे जेड को पुट कर देना है, तो वन प्लस जेड का पावर फोर माइनस टू कॉस मतलब जेड स्क्वायर,
ठीक है, इंटू डी जेड। और यहां पे माइनस साइन एक्स इंटू, मतलब कि साइन एक्स इंटू डी एक्स आपको क्या दिया हुआ है, डी जेड। अब तो आपको सॉल्व हो जाना चाहिए, आपको सिर्फ सेपरेट करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। और पावर का इंटीग्रेट कैसे करते हैं आपको पता है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। जैसे आप देख ले उस फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करें, माइनस 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 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो माइनस माइनस डी जेड माइनस ऑफ जेड का पावर फोर इंटू डी जेड, और फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस टू को बाहर कर लेते हैं और आपका क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। अब क्या है यहां पे, आपको डी जेड का इंटीग्रेशन जेड आता है आपको, प्लस माइनस जेड का पावर फोर बाई फोर प्लस टू जेड क्यू बाई थ्री प्लस सी। अब जहां जहां आपको जेड है वहां पे आप cos x को पुट कर दे, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये था आपका दूसरा नंबर कि जब साइन का पावर ऑड होगा तो क्या करेंगे आप, तो ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो कैसे हम लोग किए, z बराबर cos x को पुट करके, और क्या था आपका रूल बेसिक, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूट ही करके इसको भी हम लोग बना लिए। तो ये था आपका दूसरा, आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं, ये था यहां से आप स्टार्ट करें दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहां से लेकर आपको यहां तक ये आपको जो है डेरिवेटिव फाइंड किए हैं हम लोग। ये माइनस साइन आपका है यहां यहां, और यहां से इसको साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए हैं, और इसको फिर कुछ भी नहीं है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देना है आपको, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आप तोड़ दिए। अब यहां से आपको ये दिख गया, अब ये दिख गया तो पावर का कैसे इंटीग्रेशन करते हैं वो तो आपको पता ही है कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर सकते हैं। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप जो भी रूल पढ़े हैं उसी के सीक्वेंस में आप एग्जांपल को देख रहे हैं, तो जो भी आप कुछ भी नया नहीं इसमें है, आप जो एग्जांपल देखे हैं वही आप इसका जो है रूल को अप्लाई करेंगे हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप, तो आइए हम लोग देख रहे थे एग्जांपल में क्वेश्चन कुछ कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, साइन का पावर और दोनों कॉस का पावर ऑड है, तो रूल आप लोगों के लिए क्या देखा था कि अगर दोनों का पावर अगर ऑड हो, दोनों का पावर ऑड हो तो क्या मानते हैं, या तो जेड बराबर कॉस एक्स या तो जेड बराबर साइन एक्स, कुछ भी आप मान सकते हैं, या तो जेड बराबर कॉस एक्स या तो जेड बराबर साइन एक्स। यहाँ पे हम लोग जेड बराबर कॉस एक्स मान लेते हैं, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख लें, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन, डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये चौथा पांचवा आपका क्वेश्चन है, ये चार नंबर है, ये पांच नंबर है। इसको देखिए, जेड बराबर कॉस एक्स आप माने हैं इस क्वेश्चन में, जेड बराबर कॉस एक्स माने हैं आप, तो यहां से आपको इसका क्या मानेंगे, जेड बराबर कॉस एक्स। अब डी जेड बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, तो डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां से देखिए इसको सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करें तो कॉस का पावर फाइव एक्स बाहर इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इसको लिख सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आना चाहिए इसमें। तो आपको साइन एक्स इंटू डी एक्स आपको दिख रहा है क्या है, डी जेड माइनस डी जेड, तो माइनस से यहां पे आ जाएगा, जेड बराबर कॉस एक्स तो जेड का पावर फाइव, और साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी जेड। अब जेड के जगह पे आप कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे आप क्या रख देंगे, जेड, मतलब जेड का पावर फाइव, वन माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको, तो यहां से आपको क्या आ जाएगा देख लीजिए, माइनस है बाहर में, यहां पे क्या आ जाएगा, जेड का पावर फाइव माइनस जेड का पावर सेवन इंटू डी जेड, यहां से आपको ये आ गया। अब आपको देखिए आप यहां से क्या आप कर सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, जेड का पावर सेवन माइनस जेड का पावर फाइव इंटू डी जेड। अब देखिए यहां से सेपरेट इसको करते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो डी जेड यहां पे आएगा, जेड का पावर फाइव इंटू डी जेड। अब क्या होगा, जेड का पावर एट,
बाई एट माइनस ऑफ जेड का पावर सिक्स बाई सिक्स प्लस सी। अब जेड के जगह पे आपको क्या कर देना है, वैल्यू कॉस पुट कर देना है, यहां से आपको क्या आ जाएगा कॉस का पावर एट एक्स बाई एट माइनस ऑफ कॉस का पावर सिक्स एक्स बाई सिक्स प्लस सी। तो ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दोनों का पावर अगर ऑड होगा तो आप कुछ भी इंडिपेंडेंटली मान सकते हैं, या तो जेड बराबर कॉस एक्स माने या तो जेड बराबर साइन एक्स माने। तो ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे थे, तो तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसी फॉर्मेट पे सारा आप लोगों ने क्वेश्चन देखा है, इसी फॉर्मेट पे आप लोगों ने देखा अभी तक क्वेश्चन। चौथा नंबर आइए देखते हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां से देखिए, अगर सम ऑफ पावर इसका दोनों का सम अगर इवेन आता है, अगर दोनों का पावर का सम इवेन आता है तो क्या लिखते हैं इसे, कॉस या साइन के मल्टीपल एंगल्स के फॉर्म में इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, और इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 इंटू dx। अब देखिए यहां से क्या होगा, 1 बाय 4 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x इसको लिख सकते हैं, यहां पे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या लिखेंगे इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, और 1 बाई 4, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x साइन 4 साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x इसको लिख सकते हैं इंटू dx। अब साइन स्क्वायर डी एक्स को क्या लिखेंगे आप, इसको साइन स्क्वायर टू एक्स को आप क्या लिखेंगे, यहां से आप देखिए 1 बाई 4 बाहर है, साइन स्क्वायर टू एक्स, मतलब कि अगर साइन स्क्वायर एक्स रहता है आप साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई 2 ऐसा लिखते हैं कि नहीं। अगर एक्स रहता है तो यहाँ पे डबल होता है एंगल, मतलब यहाँ एक्स रहेगा यहाँ टू एक्स होगा, यहाँ एक्स बाई 2 होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, डबल x होगा, अगर x है तो 2x, तो यहां पे भी आपको साइन स्क्वायर 2x है तो 2x है तो 4x होगा, मतलब यहां पे 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहां पे आपको देखिए 1 बाई 8 बाहर कर लेंगे तो 1 डी एक्स माइनस कॉस 4x इंटू डी एक्स। अब 1 बाई 8 से अगर आप गुना करना चाहेंगे तो गुना कर ले, तो 1 बाई 8 dx माइनस ऑफ 1 बाई 8 क्या हो जाएगा, 1 बाई 8 cos 4x, cos 4x इंटू dx। अब यहां से आपको क्या आ जाएगा, 1 बाई 8 मतलब dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो आपको क्या आ जाएगा x बाई 8, यहां से आप देखें x बाई 8, और cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, और जो भी कॉफिशियंट में होता है x का जो भी कॉफिशियंट में होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 1 बाई 32 साइन 4x प्लस सी। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है कि आपको पावर, अगर दोनों का पावर का सम अगर इवेन आता है तो आप क्या करेंगे, इवेन पॉजिटिव इंटीजर आता है तो आप कुछ भी, मतलब कि उसको इस तरह के फॉर्म में, मतलब उसके एंगल साइन और कॉस एक्स के मल्टीपल एंगल्स के फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये था चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि ये था आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है आपके सामने, ये क्या है आपका, साइन एक्स कॉस क्यू एक्स। अब देखिए इसका जो दोनों का सम होगा अगर ऊपर इसको करेंगे तो इवेन इंटीजर आ रहा है, मतलब -1 -3 इवेन इंटीजर आ रहा है, मतलब दोनों का पावर का सम
इवन इंटीजर आता है तब देखिए क्या करते हैं। तो इवन इंटीजर आता है आपका, अगर दोनों का पावर अगर इवन इंटीजर आता है तो आप क्या करते हैं, इवन इंटीजर आता है तो निगेटिव इवन इंटीजर, निगेटिव इवन इंटीजर आता है तो जेड बराबर टेन एक्स। सबसे पहले ये रूल आपको पता होना चाहिए, अगर दोनों का, दोनों ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का अगर पावर का सम निगेटिव इवन इंटीजर आता है तो जेड बराबर टेन एक्स मानेंगे हम, क्या मानेंगे, जेड बराबर टेन एक्स। अब यहां से आप देख लीजिए क्या होता है, ऊपर में भी सेक स्क्वायर एक्स से गुना करते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें बहुत सारा आपको टेक्निक देखना पड़ेगा, आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय आपको ट्रिगोमेट्री का भी कुछ कंसेप्ट आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स, और मैं पहले भी बता चुका हूं, तो साइन एक्स और कॉस क्यू एक्स और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया, वो तो करेंगे ही यूज। तो वहां से आपको क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा वहां से, ये आपको sec स्क्वायर x और sin x और cos x बचेगा, और यहां से cos स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है, cos स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x 1 होता है आपका, यहां पे दिख गया sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू sin x cos x, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या मजा आने वाला है क्वेश्चन में, यहां से तो आप कर लिए, अब देखिए यहां पे क्या होगा आपका, क्या आने वाला है, जैसे sec स्क्वायर x ये ऊपर कर लीजिए cos x को, तो cos x ऊपर जाएगा तो sec क्यू एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है। अब आपको और भी अच्छा लगेगा क्वेश्चन को देखने में, देखिए क्या होगा यहां पे dx, अब फिर से क्या करेंगे, sec x से गुना और नीचे भी गुना करेंगे ऊपर भी गुना करेंगे, तो sec x से गुना करेंगे तो sec का पावर 4x, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये यहां पे अगर गुना करेंगे sec x से तो sin x into sec x होगा, अब sin x into sec x, अब sec x को फिर से 1 by cos x लिखेंगे, तो 1 by cos x लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, sec का पावर 4x और ये tan x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, उसको लिखेंगे sec, अब क्या आपको रिजल्ट यूज करना है, sec, अब sec 4x को क्या लिखेंगे आप, ये क्वेश्चन था आपका, यहां पे आप क्वेश्चन को लिख सकते, यही आपका क्वेश्चन है, तो यहां पे आप sec स्क्वायर x उसको क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर z 1 होता है, 1 होता है इसका, तो यहां से आपको sec स्क्वायर का वैल्यू sec स्क्वायर x का 1 प्लस tan स्क्वायर x होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x होगा, और अगर sec x का वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो उसको क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x बाई tan x। तो ये क्वेश्चन था आपका tan स्क्वायर, यहां से आपको ये रिलेशन इस तरह से sec का पावर 4x 1 प्लस tan स्क्वायर x आपको और 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां से आपको ये रिजल्ट आया, इसको ब्रेक कर दिए, और ये यहां से आपको इंटीग्रेशन, यहां आपको ये रिजल्ट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।